हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज का जो मैं आपके साथ स्किन केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ वो है डिटेन, जैसे कि गर्मियों में हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सनटेन हो जाती है, बहुत ज़्यादा। इसमें दो कलर में जब स्किन होती है तो इसका मतलब हमारी स्किन में जो है ना टेनिंग हो गई है। तो इसके लिए बहुत ही ईजी सा और बहुत ही अच्छा सा मैं आपको फेस पैक और आप इसे हाथ वगैरह पर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके हाथ में भी टेनिंग है तो। और ये बहुत ही ज़्यादा वर्क करता है, आपको एक बार के इसके में यूज़ में ही फ़र्क दिख जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए आइए मैं दिखाती हूँ आपको। तो इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक मिक्सी जार, तो मिक्सी जार आप ले लीजिए। और मिक्सी जार के साथ ही हम उसमें मिक्स करेंगे इसके अंदर एक आधा बनाना जो कि पका हुआ होना चाहिए, और हमें चाहिए आधा आलू जो छिलके समेत ही हमें इसमें ऐड करना है। और आप इसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इसमें डाल सकते हैं, जिसकी वजह से आराम से इसमें पीस जाएगा मिक्सी के अंदर। और हमें चाहिए नींबू, और नींबू जैसे कि आजकल नींबू में बिल्कुल भी जूस वगैरह तो है ही नहीं, लेकिन नींबू जो होता है हमारी जो टेनिंग होती है ना उसको रिमूव करने में बहुत ज़्यादा वर्क करता है। तो इसके लिए हमें चाहिए नींबू, उसको भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में यहाँ पर काट लिया इस तरह से। और इन सब चीज़ों को हमको पीसना है अच्छे से, एकदम मिक्स करके बारीक सा। और उसके लिए चाहिएगा दही, क्योंकि थोड़ा सा लिक्विड होगा तो ये बहुत अच्छा से पीसने में आ जाएगा। और दही की वजह से ना, दही हमारी स्किन को मॉइस्चर करेगी और हमारी स्किन में टाइटनिंग देगी हमें। तो इसके लिए हमें यहाँ पर चाहिए दही, तो दही मैंने ले लिया है 2 से 3 चम्मच। और इसमें हनी भी ऐड करना है, और हनी आपको इसमें ऐड करना है। हनी हमारी स्किन को एकदम ब्राइट करता है। और ये अच्छे से मैंने यहाँ पर इनको पीस लिया है सब चीज़ों को, आप चाहे तो इसे छान लीजिए, मैंने छाना नहीं था तो बीच बीच में बहुत ऐसे बड़े बड़े से दाने आ रहे थे। अगर आप छान के लगाएंगे ना तो बहुत अच्छे से आपको ये लगेगा। और इसे फिर अपने फेस पे अप्लाई करना है अच्छे से वॉश करके, तो आप इस तरह से अपने फेस पे इसे अप्लाई कर लीजिए, या तो ब्रश से कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा ये आपका थोड़ा गीला पेस्ट हो गया तो इसमें आप बेसन ऐड कर दीजिए, तो बेसन भी आप इसमें मिक्स कर सकते हैं, बेसन की वजह से आप इसमें टाइट कर लीजिए। तो इस तरह से आपको पूरे फेस पे, नेक पे, और अगर हाथ वगैरह में भी टेनिंग है तो वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप इसे रिमूव करेंगे ना तो जो बनाना हमने लिया था ना उसी के छिलके से इसे हल्के हल्के हाथ से आप रिमूव करिए, बिल्कुल धीरे धीरे, तो उसकी वजह से ना स्किन में और ज़्यादा शाइन आएगी और जो भी टेनिंग वगैरह है, जो भी डलने से, डार्कनेस है, वो सब निकल जाएगी। तो यहाँ पर आपको इस तरह से हल्के हल्के हाथ से अपने बनाना के छिलके से आपको इसमें मिक्स करना है, मिक्स नहीं करना है, बनाना के छिलके से हल्के हल्के हाथ से आपको रब करना है। और वैसे उस तरह से पूरे फेस पे आपको इसको हटा देना है। जैसे आप अगर हल्के अपने हाथ से भी करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, लेकिन अगर बनाना के छिलके से आप करेंगे तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा, और ज़्यादा इसमें फ़ायदा होगा, क्योंकि जो उसकी उसके छिलके में जो भी इंग्रेडिएंट होते हैं ना वो हमारी स्किन को बहुत अच्छे पावरफुल ब्राइटनेस देते हैं। तो आप धीरे धीरे उससे आप इस तरह से रब की कर लीजिए अपने हाथों पे, नेक पे, फेस पे, जहाँ जहाँ आपको अप्लाई करना है। यहाँ पे मैंने फेस पे और नेक पे अप्लाई किया है, तो मैं यहीं पे से रब कर रही हूँ धीरे धीरे। उसके बाद आप कोई भी गीला नेपकिन ले लीजिए, नेपकिन से आप इसे हटा दीजिए, बिल्कुल इजीली ये निकल जाता है, कोई ऐसा चिपकने वाला इसमें कुछ नहीं है, इजीली ये निकल जाएगा। तो ये देखिए, आपको लग ही रहा होगा कि जैसे जैसे मैं हटा रही हूँ स्किन एकदम से ब्राइट होती जा रही है, पर आपको एक बार के यूज़ में ही ना इसमें इतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये देखिए, आपको बिल्कुल गीले कपड़े से या गीले नेपकिन से पूरा हटा लेना है, उसके बाद हम फेस वॉश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये गीले नेपकिन से पहले हटा लिया है, इसकी वजह से क्या होगा कि पानी हमारा ज़्यादा वेस्ट नहीं होगा और फेस को हम थोड़े ही पानी में अच्छे से वॉश कर सकते हैं। और नेक पे भी आपको इस तरह से अच्छे से पोंछ लेना है, ये देखिए। और देखिए, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर मेरा फेस कितना ज़्यादा ग्लो कर रहा है, एकदम वाइट हो गया है। और पास में मेरे पापा बैठे थे, वो बोल रहे थे कि मुझे भी ये फेस पैक देना क्योंकि मुझे भी ये लगाना है।
आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो भी मेरी स्किन में टेनिंग वगैरह थी ना, वो सब निकल गई है और फेस एकदम से शाइन कर रहा है। और उसके बाद ना अपना फेस वॉश करने के बाद कोई भी आप मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा लीजिए। और पापा कुछ बोल रहे हैं साइड में बैठे बैठे, तो मैं वही सुन रही थी। तो यही था आज का मेरा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।